असल वेलकम बैक टू इन माई अदर तो आज का जो है उन दोस्तों के लिए बहुत ही जबरदस्त है जिनको है कबूतर बाजी का शौक तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये ये सेटअप सेटअप है है और बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त कबूतर तो ये है, किसका कहाँ पर है और ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने इस विलॉग में है, तो हमारे विलॉग को देखते रहिएगा कंटिन्यू तो ये विलॉग है मासूम शाह कॉलोनी चंसर गोट कराची में राजा हबीब साहब का तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर अपना शौक किया हुआ है इनकी छत पे आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ बहुत ही जबरदस्त सेटअप है और इतने सारे कबूतर हैं कि बस मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी इनसे एक दो जोड़े ले जाऊँ और अपना शौक़ पूरा करूँ क्योंकि मैं तो तो आपको बता दूँ कि पास कौन कौन से कबूतर हैं तो इनके सेटअप में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और ये देखें माशा बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास पेयर्स वगैरह हैं ठीक है ये तमाम पट्टे भी हैं बड़े भी हैं इसमें मेल फ़ीमेल सब अलग अलग इन्होंने करके रखे हुए हैं और मैं भी चाहता था कि कैसा सेटअप रखूं आप ये देखें माशाल्लाह बहुत ही उड़ान वाले कबूतर हैं नस्ली कबूतर हैं इसके बारे में भी हम हबीब साहब से बात करेंगे और पूछेंगे तो यहाँ पर ये यह देखें ज़बरदस्त और यहाँ भी देखें छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके अगर आप में देख सकते हैं इसमें ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह जो है राजा हबीब साहब से बात करेंगे और इनसे मालूम भी लेंगे कबूतरों के बारे में तो हमारे साथी जो है बहुत महंगा शौक है और मैंने सुना इसके अंदर खुआारी भी बहुत ज़्यादा होती है तो ये शौक़ आपको कैसे पड़ा इससे पहले तो तमाम वीवर्स को असलकम और भाई यही रिक्वेस्ट है कि इमरान साहब का ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ये बहुत अच्छे इंसान हैं तो शौक़ बस ये मोहब्बत वाला शौक़ है जी अमन वाला मोहब्बत वाला शौक़ है और जुनून है हमारा ये इश्क है ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जारी है जब तक हिम्मत और सेहत हो तो शौक़ करें जा... अपने उसमें रह के ड्यूटी को हर चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है आजकल माशा रमज़ान का महीना है बड़ा मुकद्दस महीना है तो इबादत का भी ख्याल करें बिल्कुल ठीक है जी तो इबादत का टाइम हर चीज़ का मतलब एक टाइम जो है ना वो मखसूस रखें कबूतरबाजी का भी थोड़ा जो टाइम निकाल सकते हैं तो निकालें ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं तो उनकी धूप छाँव का उनकी ख़ुराक का उनकी हर चीज़ का मेंटेनेंस का ख़्याल रखें तो ये शौक़ फिर अच्छा चलता रहेगा इंशाल्लाह शुरू में ही पड़ा था कोई पंद्रह सोलह साल की तेरह साल की उम्र में तो उस वक्त तो अच्छे लगे कबूतर तो हम ले आए तो बस वहाँ से फिर वो थोड़ा अरसा रखे ज़हरा गाँव में तो हवेली होती है हवेली में रखे घर में भी थोड़ा अरसा रखे थे फिर हवेली ले गया हवेली रखे रखे बहुत अरसा तो बस उसके बाद फिर ख़त्म कर दिए तो फिर बंदा बस अपनी स्ट्रगल में लग जाता है तो अभी फिर कुछ अर्सा पहले कोई ढाई तीन साल पहले आप इनके पास आप आएँ अपने काम से अपने बच्चों के साथ से फारक हो के तो रिलेक्स होके इधर बैठे जिक्र भी करें अल्लाह का और इनको दाना पानी डालें तो बड़ा बंदा बंदा जो है ना जहनी तौर पर बहुत मुतमिन और फ्रेश हो जाता है इनको देख के इनको सुन के ये भी अल्लाह के हम बयान करते हैं परिंदे भी जो भी हैं तो आप इनके पास बैठें तो ये कबूतरबाजी बहुत अमन वाला शौक है इसमें नहीं है कि पैसा नहीं खर्च होता पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर आपको कुछ नस्लें अच्छी रखनी है का ये हाई फ्लैर कबूतर है मेरे पास काबली हाई फ्लैर ठीक है कबूतर है रिजनल जो रामपुरी भी थे फिरोजपुरी भी कमगर भी गोल्डन भी मिसे और टेडी भी थे फ़कीर गुल भी हैं मगर वो मैंने अभी रिजनल जो पेवर जोड़े और कुछ बच्चे जो है ना गुजरात गए हैं चौधरी के पास ये बेकरी वाले हैं तो उनको बस पसंद थे उनका शौक़ भी था तो वो लेके गए हैं जगह की कमी की वजह से मैंने दे दी है तकरीबन कोई साठ खाने सा सा पीने के टाइमिंग का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए जी टाइम जो रखे हुए हैं आपने वो उस हिसाब से फिर करें जैसे एक एक, एक दिन दफ़ा दो दफ़ा या सुबह नहीं जैसे आप? जोड़ों वाले हैं ना तो जोड़ों वालों को दो दो तीन दफ़ा भी डालें तो सही है मतलब मगर आज इनके बच्चे हैं प्लाई अच्छी होती है और जो उड़ान वाले हैं उनको एक दफ़ा हाँ उनको एक दफ़ा डालें बिल्कुल एक, दो एक से दो बजे के बीच में डाल लें या तीन चार बजे का टाइम रख लें जो भी रखें एक टाइम रख लें पानी का और इन चीजों का फिर ख्याल करें कि ब्रीडिंग मतलब कितने अरसे में स्टार्ट करते हैं आफ्टर पेयर तकरीबन पंद्रह से बीस दिन में मादा जो है वो अंडे दे देती है अच्छा तो फिर इक्कीस दिन या बाईस दिन के अंदर बच्चा निकल आते हैं तो महीने में बच्चे पाल जाते हैं तो एक पेयर कम से कम कितने अंडे देता देते हैं दो 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 अंडे दो ही दो ही देता है ना ना कम ज्यादा ना ना अच्छा और बीस से बाईस दिन में उनके बच्चे हाँ जी बच्चे आ जाते हैं और बच्चों को बढ़ाने में कितना टाइम लगता है? है।, है ये एक महीना तकरीबन एक महीना लगता है ये बताया कि शौक मैंने भी किसी टाइम में किया था लेकिन इसके अंदर खुआारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब भी जो जो कबूतर बात होता है उसकी गर्दन हमेशा मैंने ऐसे ही देखी आसमान की तरफ रहती है तो ऐसा भी आपके साथ भी कुछ है क्या नहीं ये देखें ये हाई फ्लायर है ठीक है अब इसमें कबूतरों में ना सबसे पहले तो ये जानना है कि बहुत सारे अब यहाँ पर मोहल्ले में हैं तकरीबन मेरा ख्याल है किसी ने हाई फ्लायर कबूतरों का शौक़ नहीं कर रहा पट्टी वाले गोले वाले इसके अलावा काबली भी बीच में मिक्स मतलब गोला गंडा बनाया हुआ है तो उनका अपना शौक़ है उनको जैसे बेहतर लगते हैं तो ये मुकम्मल पेवर काबली का शौक है हाई फ्लायर का तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है मतलब कि हर वक्त आप देखो ना मेरे साथ आप कितनी देर से आए हुए हैं मैंने कोई एक दफ़ा भी ऐसे अभी कर रहा हूँ ये इस वजह से कि इनको जब अभी छोड़ेंगे आपके सामने छोड़ेंगे ना तो पाँच दस मिनट ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे उसके बाद ये बुलंदी में हाई, बिल्कुल आसमान की ग्राई में जिन्होंने क्योंकि ये अभी शुरू शुरू के दिन हैं जब ये कुछ दिन इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना असल चीज़ इनकी ट्रेनिंग है सही ट्रेनिंग जब हो जाएगी इनकी कमांडो ट्रेनिंग ये इनकी कमांडो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू है अभी देखे ना रमजान का बड़ा मुकदस महीना है और इबादत भी जारी है और इन पर भी द्रूद शरीफ पढ़ के जनाब आयतुल तो कुर्सी पढ़ के दम करके हम उड़ा रहे हैं कि चिड़ी मारों से भी महफूज रहें और और भी ऊपर जो है ना आसमानी जो भी इनके होते हैं परिंदे लगड़ और बाद वगैरह तो उनसे भी ये महफूज रहें तो अच्छी उड़ान करके आएँ तो अभी इनकी जो है ट्रेनिंग शुरू है ये ट्रेनिंग के समझें कि फर्स्ट मरल है पहला मरल शुरू है तो ये अभी कुछ तो बंद हो जाएंगे कुछ जो है ना घूम फिर के आ जाएंगे जब ये कुछ दिन इनकी ट्रेनिंग जो है ना हो जाएगी ना दस बारह दिन पंद्रह दिन फिर ये बिल्कुल ऐसे बुलंदी में चले जाएंगे आसमान की गहराई में अच्छा ये जो ये अंडे बच्चे करते हैं इनका कोई सीज़न होता है टाइम पीरियड होता है या फिर साल के बारह महीने सिलसिला चलता है साल के बारह महीने भी ले सकते हैं मगर बीच में जैसे बरसात का महीना आता है तो उस वक्त थोड़ा रोक दें या और कोई इस तरह गर्मी में फुल गर्मी में अच्छा वो आपके उस पर स... है ना केज पे है आप अच्छा मतलब इनको दें बना के और साल के बारह महीने लेते रहे तो ये मैंने देखा कि अक्सर सर्दी के दिनों में जो है ना मतलब जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो इनको ज़्यादा मतलब उड़ाते नहीं हैं कोई ख़ास वजह हाँ सर्दियों में जो है वो एक तो ये जो काबली हैं इनके लिए ये होता है कि ऊपर जो है ना बाज़ का मसला बहुत होता है बाज़ पकड़ लेते हैं इनको बाज़ सर्दियों में बाज़ बहुत आया होता है और सर्दियों में इनकी उड़ान भी जो है ना मुकम्मल नहीं होती अगर आप बायदगी से इनको उड़ाते रहें ना फिर ये मतलब देर कर देंगे गर्मी के परिंदे हैं ये गर्म मौसम को पसंद करते हैं तो ये जो नसलें आपको पसंद आती हैं वो अच्छी से ख़रीद के ले आएँ कम पैसों में भी मिल जाती हैं अभी हमने तो बहुत कम रेट रखे हुए थे हज़ार पंद्रह सौ दो हज़ार रुपया फी कबूतर हाँ हम तो इतने नहीं हाँ सीनियर लोग जो हैं वो पाँच पाँच हज़ार के भी लगाते हैं दस हज़ार के भी लगाते हैं पचास हज़ार का भी कबूतर है पाँच लाख का भी है हाँ बड़ी बड़ी इधर आप मतलब देखें ना तो बड़े हमारे परिंदे जी अच्छा शौक़ कर रहे हैं अच्छे मतलब ग्राही में जाके उड़े हैं सही से तो दिल मुतमिन होना चाहिए तो पैसे का शौक़ है भाई इससे बंदा कहे कि भाई पैसे हमने कमा लेने तो कमाने नहीं होंगे खर्च करने होंगे तो खर्च करने का जहन बना सकते हैं इतना मतलब खायल हैं तो ठीक है नहीं तो फिर नहीं तो फिर हाँ, नहीं, फिर वो काम वो करें ना इंसान करेंगे महंगा महंगा शौक है चलो खैर अभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना टाइम दिया और अपना सेटअप भी दिखाया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा वैसे मुझे भी बचपन से जो है कबूतर रखने का बहुत ज्यादा शौक था लेकिन इसके लिए जो मेन चीज़ है वो आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए एक अच्छी बड़ी छत चाहिए जिसके लिए आप उसको रख सके जो सेटअप इसका बना सके तो मेरे पास ऐसी जगह थी नहीं जिसकी वजह से ज्यादा शौक मैं कंटिन्यू कर नहीं सका तो ये है कि अगर आप भी शौक़ करते हैं तो एक अच्छी जगह आपके पास होनी चाहिए तब आपके जो है कबूतर जो आपकी छत पे सेट भी होंगे और अच्छे मतलब उनकी नस्ल भी बढ़ेगी आगे तो मैं उम्मीद करता दूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को उन कबूतरों का शौक है तो आप हमारे जो है राजा हबीब भाई हैं आप इनसे जो है रब्ता कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी आपको दे दूंगा तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दें अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद